नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज पहली बार मैं अपने YouTube चैनल पे फेस टू फेस कविता लेकर आया हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने खेतों की तरफ बैठकर एक कविता पढ़ने वाला हूँ। उम्मीद है मुझे आप सबको अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है दोस्तों इन हसीन वादियों में बैठकर कविता पढ़ना, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मैं पढ़ता हूँ, एक बहुत ही प्यारा कविता है, मेरा नहीं है बट किसी ने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है दोस्तों क्या खूब लिखा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इस खेतों में मतलब कि एक तरफ तो खेतों के बीच में है और ये माहौल भी एकदम हरियाली है, बसंत ऋतु है, बसंती बयार भी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा, एक बार जरूर सुनिए। प्यार सब्सक्राइब लाइक सब कुछ दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कविता के प्रेमी हैं, शायर के प्रेमी हैं, दर्द भरी शायरी के प्रेमी हैं, मैं उनको ऐसे ही अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाके कविता सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आपकी बस एक हौसले की ज़रूरत है, सिर्फ एक लाइक एक सब्सक्राइब। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मैं अब आपको देर न करते हुए एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आप जरूर सुने। मैं आस का दीपक हूँ, ए सागर आज तेरी लहरों से बात करूँगा, प्रश्नों से ही तुझ पर आघात करूँगा। मन में ठानी है तुझसे करनी मनमानी है, शब्दों के बाणों की तुझ पर बौछार करूँगा, चाहे काली अपनी रात करूँगा, ए सागर तेरी लहरों से आज मैं बात करूँगा। मैं आस का दीपक हूँ, निराश नहीं होता हूँ, साहस को थामे रखता हूँ, विश्वास नहीं खोता हूँ, सिखों की बरसात करूँगा, ए सागर तेरी लहरों से मैं आज बात करूँगा। आज नहीं तो कल मरना है, फिर काहे को डरना है, तेरे ज्वार को मैं रोकूंगा, तेरे रुख को मैं मोड़ूंगा, मैं भी तुझसे घात करूंगा, ए सागर तेरी लहरों से मैं आज बात करूंगा, ए सागर तेरी लहरों से आज मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैं अपने खेतों की तरफ बैठकर एक कविता सुना रहा हूँ आप सबको, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है ऐसे जगहों पर बैठकर कविता पढ़ना। थैंक यू सो मच।